जो हालात है पंजाब के उपर तक हो जाते इस घर तो कि पंजाब दे विच की कुछ वापर रहा। एक घर के दो नौजवान एक पहला नशे ना पूरा होंदा एक भोग तो पहला ही वह भी पूरा हो जाता। इन मापिया की हालत वेखो। सो हुकूमतों मैं पूछना चाहना कि एक पास असी दावे करते फिरते हैं वे वे पंजाब दे विच मैं नौजवानों को भड़का रहा ये जो नौजवान घर खाली हो गए ने छोटा जहाँ पुत्र है एक धी है हूँ ये हुकूमतों पूछना चाहिए भी नशा जोड़ा वेक रहा है जे तो बस की गल नहीं बंद करना फिर असं तो करावे पर फिर तुम चीका ना मारियो कि तुम कि तरीके करा रहे जो किमें करोगे। मैं जो पिंड जाना नौजवानों में अपील करना अज कि ये घर की हालात तुम वेखो जो नशा है वह बंदे होशोवास भुला दिता भी मेरा फायदा की नफा की नुकसान की है पर अपने माँ प्यो वाल झाती मारो अपनी कौम वाल झाती मारो कि साढ़े माँ प्यो साढ़े धियां पुत कि हालात से गुजरन के बाद साड़ी कौम जे हुण जवान नौजवान ही रहे तो संघर्ष करना करना अपने हकों की गल ता करांगे जो कि जवानी बचूगी। सो नौजवानों इस गल के उत्ते तहैया करो कि यह छड्या तंगी तो तुहानू आउणी है पर घट्टो घट अपना निश्चा करो मन ये अपने इन्हां माँ प्यो वाल वेखो भी ये इन्हां दा की जीवन है मगरों। सो सारयां दा ही इदां है जिहड़े कर रहे उन्हां दी सगों ज़्यादा माड़ी हालत है उन्होंने घर लड़ाई झगड़े कुटमार पैसों को खोना फिर बाहर जाके लुटा करनी है ये सब कुछ नशे से फसे हुए नौजवान करते हैं। उन्होंने अपील है बड़ी निम्रता से बेनती है तो मैं हाथ जोड़ के उन्होंने बेनती करना कि तुम मुड़ो घर गुरु के सिख बन के मुड़ो जी आप गुर भाई लहर चलाई है वह भी अर्थ यही मायमदा कि आप सारे एक दूजे के भरा हाँ तो भरा आप बनना ता जे आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र बनीए थे इन्हां माँ प्यो की जिंदगी भी सौखी होवे ना नशे पत्ते करिए ते तियां भैणां नूं बेनती है जिहड़ियां अपनियां बीबियां ने तुसीं अपने भरावां नूं अपने घर वालियां नूं प्रेरित करो भी वह खंडे बाटे दी पौल छकण ये किसी नूं टोकना नहीं। कई मैं सुनिया कई घरां दे विच बीबियां आप कहिंदियां भी नहीं तुसीं इह काम ते नहीं तुरना सो हुण आह काम ते चंगा नहीं ना जिहड़ा होया जिहड़ा वापर रिहा। सो इस करके ये माँ प्यो का दुख हुकूमत भी वेखे भी ये एक घर है हजे इतों 3 किलोमीटर दूर एक होर नौजवान कल ही उदी मौत हुई है उदा संस्कार भी अजे नहीं होया। इदा हुण हर पिंड दे विच 5-10-20 नौजवान ऐसे हैगे जिहड़े नशे की भेट चढ़ गए ते जिहड़े बाकी बचे नौजवान हुण इहदे च फसे आ। तो साडा मिशन इहो ही है मौके दे उत्ते भी नौजवानी नूं सांभणा ते नौजवानी सांभण दे विच हुकूमत बुरी तरह सफल रही है ते जे असीं इस राह ते तुरे हां तो हुकूमत को मैं गल कहना चाहना कि जां ते तुसीं इन्हां माँ प्यो नूं जवाब दे दिओ आण के किसे दा पुत गोलियां नाल कतल कर दिता जांदा उहदा का इंसाफ तुहाडे कोल दित्ता नहीं जांदा जिहड़े गोलियां नाल नहीं मरदे उहनां नूं नशे नाल मार दिंदे जो उहदा इंसाफ तुहानूं नहीं मिलदा ते जे कोई धर्म दा प्रचार किते करदा तां उहदे खिलाफ तुसीं प्रापोगंडा करदे जो। सो मेरी इह बेनती हुकूमत नूं वी अपील है ते उह इहनूं मन्नण ते जे कोई नशे दे खिलाफ उह मुहिम चला सकदे ते चलाउण नहीं ते असीं ते चलाउणी है फिर सानूं ना इह कहण वी तुसीं इदां क्यों करदे जो उदां क्यों करदे जो। सो इहनां माँ प्यो नूं इहनां परिवार नूं वी इहो ही हुण ते गुरु सतगुरु सच्चे पातशाह दा भाणा ही मन्निया जा सकदा है ते असीं इह उम्मीद करदे वी जिहड़ा नौजवान अज्ज 1.5 साल दी उम्र है इहो ही गुरु साहिब अरदास करदे वी जदों नूं इह जवानी ते पैर रखे उदों नूं पंजाब च इहो जिहा कोड़ ना होवे संघर्ष दे विच जीवन लेखे लग जाए। मेरी इन्हां दे बापू जी नाल गल हुई सी कि इहनूं चंगा उह वी समां आया भी खाड़कूवाद दे विच साडे घरां दे कर नौजवान लेखे लगे पंथ दे पर अज्ज उहनां दे समागमां ते जाईदा उहनां नूं याद करीदा वह मौत जिहड़ी आ उह फिर वी गैरतमंदां दी मौत है शहीदी है इत्थे जिहड़ी मौत हो रही है वह किते किसी लेखे दे विच नहीं। माँ प्यो विचारे कहण लगे डरदे आ वी साडा पुत किहड़े राह तुर गया ते लोकी पिंड दे वी आण के फिर जिक्र नहीं करदे किते पर्दा रखणा बंद करिए बिल्कुल जे कोई नौजवान नशे ते लगा है उहदे माँ प्यो नूं वी खुल के संसार च गल करनी चाहीदी है समाज दे विच ते बाकी पिंड दे लोकां नूं वी मदद करके नौजवानों ने सराह तों हटाउणा चाहीदा धर्म दा प्रचार सब तो वड्डी जरूरत है। सो इन्नियां मेरियां बेनतियां जी वाहिगुरू सरकार कहिंदी है लगातार सरकार कहिंदी है नशा छुड़ाऊ केंद्र खोले ने लगातार असीं जे बार्डर पार तो हिरन वारी उहनूं फड़ रहे हां जे गुजरात तों वारी उहनूं फड़ रहे हां जे जम्मू कश्मीर तों वारी उहनूं फड़ रहे हां तां लगदा नहीं कि पिंडां दे नौजवानां नूं पिंडां दे लोकां नूं वी इकट्ठे होणा पैणा नशा तस्करां दे खिलाफ जिहड़े लोक बोलदे नहीं उहनां नूं इकट्ठे होणा पैणा कि नत्त पाई जा सके। देखो प्रशासन निजाम सारा कुछ फेल हो चुका है जे सरकार कुछ कर रही हुंदी तां आ दिन सानूं वेखणे दा पैंदे पिंड दे नौजवानां नूं पिंड दे बजुर्गां नूं मेरी अपील है कि पिंडां दा पैरा आपां नूं आप रखणा पैणा पिंड च कि चीज़ नहीं विकनी चाहिए वह बंद आप करवानी पैनी किसी ने आण के नहीं करवानी तुम प्रशासन की लो जिते मदद ली जा सकती पर जो नहीं करते तो मतलब ही नौजवान अपने खुले तो नहीं छड़ते हैं मरन ना जो कुछ करने की लड़ है करना है वो प्रशासन को यह भी जे तुम कर लोगे ठीक है नहीं तो सू तो कुछ ना कुछ करना ही पेगा। रूपरेखा तैयार की देखो साड़ी फिलहाल तो रूपरेखा भी बेनती से चलन दिया काम
पीण वाले तो सदीव ही बेनती करा, वेचण वाले हजे बेनती कर रहे हैं हट जाओ, थोड़ा यह कारोबार हो सकता है पर किसी के पुतों के सिवे वल रहे हैं, तुम ये कारोबार तो बाज आ जाओ बिल्कुल है। तो इस करके जो नहीं बाज आने फिर वह तरीका अं लभ लेंगे, कोई गल नहीं। हाले तो प्रशासन ने यह गल कही है कि तुम इन्हों नत्थ पा लो, नहीं तो बाद चू पिंड लोग इकट्ठे होकर नत्थ पाँगे, फिर तुम कहो भी कानून हथ च आ गया जी, वह हो गया जी हो गया। पर तुम दसो भी जी आ हालत है, ये तो बाद भी जे किसी की जमीर नहीं जागती तो फिर तो बहुत शर्म वाली गल है। फिर तो इन्हों सरकार भंग करके ऐलान देना चाहिए भी इतने किसी का राज नहीं है, इतने कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, इतने जो मर्जी अपनी मर्जी करे। गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी बारे तुम डेढ़ महीने का समा दिता, डेढ़ महीना देखो असीं उहदे मतलब प्रैस कॉन्फ्रेंस करांगे छेती, उहदे च इह आ वी सारा पंथ गुरमता करे, मेरे कल्ले दा फैसला ते किते इह नहीं पंथक फैसला नहीं मन्निया जाणा ना। मैं सारिया पंथक धरां नूं अपील करदा कि सारिया धरां इकट्ठियां होण, डेढ़ महीने का समा सरकार कुछ नहीं मानती तो पंथ इकट्ठा होकर गुरमता करे। प्रेम करदे सारे सारे का प्यो एको ही है, जो ओहदी पग नूं हत्थ पैंदा है ते कोई पुत एक दूजे नूं सदे घल्लदे हुंदे आ। तुहानूं की लगदा किदां रिएक्शन होणा चाहीदा जे नाल साफ करदे? देखो मैं तां कहां सरबत खालसा सद्या जावे, अपना कानून घड़ाया जाए कि बेअदबी रोकनी किवें आ। सरकारां इस काम च असफल हो गई ने, सरकारां दे हत्थ पल्ले कुछ नहीं है, उन्होंने हत्थ खड़े कर दिए। उन्होंने मंत्री आप आ कही जाते हैं कि साढ़े असं नहीं कर सकते कुछ, उन्होंने एक मंत्री कहीं डेढ़ महीना समा दे दो, तो डेढ़ महीने का समा दिता है, उस तो बाद पंथ इकट्ठा आवे गुरमता करे। ताज़ा बयान एक आया कि साई भाई चरण लैके कि तुम भी शस्त्रधारी हो जो कहें हो तो शस्त्र गुरु ने केवल बख्शे ने सिखा, दूजिया कौम शस्त्रधारी होने का हुक्म कहड़े पैगंबर ने दिता? सानू यह बयान देने पंजाब च रह के भी असं शस्त्रधारी होवांगे तो सानू फिर अही अहिंकड़ चूड़िया पाई ने अपनी फाजतरी शस्त्र रख रखन जी सदके रख सू किसा जे प्रैस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया जान के गल दस की लड़ सो इस करके मैं तो यह गल कही भी जोड़ा जिमें जिहोजी तरशना लैके साढ़े को जी अगों घर पूर करके तुर देंगे, जे कोई प्रेम मुहबत विचार करना आऊगा उन्हें विचार करा बैठ के, जो कोई कहूगा भी अं तैयार बार तैयार हो गया तो अं तो दसा भी अगे तैयार बार तैयार हैं, जुगा जुगा तो तैयार बार तैयार ही बैठे हैं, तो जिन्हें जिदा की तैयारी करके आना आ जाए उदा तो जवाब दे। मत के लोगों ने पिछले दिन अकाल तख्त साहब के जथेदार के नाल मुलाकात की है कि ये जो लोग जो झूठा प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने खिलाफ असं भी एक्शन करा, तुसी उन्हां ईसाई प्रचारकां नाल ईसाई मत दे उन्हां लोकां नाल गलबात कीती आ कि ये जिहड़ा प्रचार रोकिया जावे तुसी वी नाल लग के रोको जिहड़ा गुमराह कीता जांदा लोकां नूं। साडी उन्हां नूं अपील है जे कोई सिरद बंदे ने तुहाडे बंदे विगड़े ने रोकणा तुसी है, साडा फर्ज नहीं, तुसी रोक लो ठीक ने ते असीं रोक लवांगे, असीं तां रोकण तुरे ही आं। ये असीं उन्हां नूं अपीलां पूलां नहीं करनियां, मुलाकातां साडे कोल नहीं हुंदियां, उन्होंने नहीं पता भी पखंड कर रहे, जो पता वा तो साढ़े मिल के उन्हें की करना अपने बंदे नत्थ पा लो, कोई साढ़े घर का जी हो कहते जाकर कोई बदतमीजी करे कोई गलत काम करे रोकने का फर्ज साडा है। सानू हुण बार बार वो कहण भी सानू मिल के जाओ कि इदां नहीं गल्लां हुंदियां, जिहड़े सिर दे साई भाईचारे दे लोग ने वह इन्हां बंदे नूं आप नत्थ पाउण ते चंगी गल है। सिक्खी प्रचार लई अगली रूपरेखा की है? इहो रूपरेखा जी सिक्खी प्रचार ते अज इहो प्रचार है भी नौजवान साढ़े बजन गुरसिखी गुर जिहड़े बाणी बण दे धारनी बण जाण, तैयार बार तैयार होण, शस्त्रधारी होण, उहदे नाल इह फर्क पऊगा भी पिंडां दे विच जदों कानून अवस्था फेल हो रही है दिनों दिन घट्टो घट्ट आपणा ते गुरू दे लड़ लग के असीं आप ते पिंडां दा बचात कर सकीए। निजी तौर ते उहनां नौजवानां नूं मिलिया जावेगा तुहाडे वल्लों कि जिहड़े इस नशे दे कोड़ ते? मैं ते सद्दा दित्ता खुल्ला कि भाई आओ इक वारी मुलाकात करो, पीण वाले भी करो तो वेचण वाले भी कर लो, तुसीं भी जा सकते हो उन्हां नौजवानां कोल। नहीं जाने आ, देखो लिस्ट इदां कोई बणिया नहीं हुंदियां, कोई मंदा नहीं, लोकां नूं पता हुंदा कि आ नौजवान फसे होणे नशे दी कोड़ दे विच, हर पिंड च जाणा संभव नहीं। नौजवानां नूं सद्दा दित्ता उह पहुंचणगे, जिथे जावांगे नौजवानां नूं मिलांगे, जिथे नहीं उथे उह साडे कोल पहुंचणगे, कोई नहीं असीं उह आपस च संपर्क कायम कर लवांगे। तहैया इहो ही है साडा भी असीं नौजवान नशे तों हटाउणे आ बस। ठीक है, धन्नवाद।